अच्छा अच्छा सफाई के साथ कराते हैं। हाँ यहाँ अच्छा इंतजाम अच्छा है यहाँ पे। ये दूध पत्ती बन रही है और ये पराठा चाय पराठा चाय पराठा साथ मलाई पी गई है। क्या चीज मलाई है कहाँ दिखा मलाई पराठा खा सकते हैं। ये वाला मलाई है असली वाला मलाई नहीं है। अच्छा सुबह हाँ खुद ही खा लिया और वहाँ पुलाव बन रहा है। पुलाव है और ये जगह जो है वो ये मटन के लिए मटन के लिए। अच्छा ये इधर लगाते हैं यहाँ पे लगाते ये जो है पुलाव चिकन कढ़ाई मटन कढ़ाई। पुलाव किस चीज का है? पुलाव बीफ पुलाव बीफ पुलाव है। तैयार है? तैयार है बिल्कुल फ्रेश। अच्छा एक प्लेट दो अगर मेरे समझ नहीं आया तो गुलाम भाई खा लेगा वरना मैं उसको चखना चाहती हूँ। लाएगा एक एक प्लेट अभी बज रहा क्या है जी? बज क्या रहा है टाइम टाइम क्या हो रहा है? टाइम तो 12:40 12:40 गुलाम भाई किधर है? अच्छा ऐसे करो कि हाफ करो हाफ हाफ थोड़ा सा इसका प्लाव 150 का। हाँ थोड़ा सा आप प्लाव मुझे चखाओ अगर मुझसे खाना ही नहीं खाया गया तो गुलाम भाई खा लेगा। ठीक है ये चाय के साथ। हाँ ठीक वरना फिर मैं ये चाय पराठा खा लूँगी। ठीक है अगर पसंद हुआ तो ठीक है। हाँ तो वो प्लाव खा लेगा मैं चाय पराठा खा लूँगी। गुलाम सिंह मैं प्लाव निकलवा रही हूँ प्लाव सही यही अच्छी जगह है सही है। ये वाला पानी जो है ना चश्मे का है चश्मे का पानी है। बेहतरीन यखनी का प्लाव है जैसे हम अपने घर में खाते हैं वैसा वाला। गुलाम सेन भी बैठे हुए और ये चश्मे का पानी खूबसूरत माहौल है मरी की फिजा का माशाल्लाह हसीन मंजर खूबसूरत माहौल है मरी की फिजा का माशाल्लाह हसीन मंजर। ठंड हो रही है और इधर से छोटा सा झरना सा है वो बह रहा है। ये एक पहाड़ी सा रास्ता है आगे वादियां हैं पहाड़ हैं और अच्छे खूबसूरत बल खाते रास्ते छोटे छोटे ढाबे बस स्टैंड और नीचे ये जगह ये गाड़ी खड़ी है हमारी और ये जगह यहाँ बैठ के मैंने नाश्ता और खाना खाया अभी। परवरदिगार का नाम गूंजता है पहाड़ियों पे खूबसूरत हसीन मनाजिर
वो देखिए एक छोटा सा मुन्ना सा घर है, उस तरफ चीड़ के घने दरख्त, बादल जमा हो रहे हैं। मैं बादलों में ही हूँ फिलहाल, धुंध छाई हुई है। असल में जो धुंध नजर आती, खाना बन रहा है, ये सब मेरे दोस्त हैं सारे, और पकोड़े वाला, ढाबे वाले, तकरीबन बहुत सारे लोग दोस्त बनते जा रहे हैं। नीचे पुलाव बन रहा था इतना अच्छा, एक शिफ्ट पुलाव की मेरे सामने यखनी चढ़ी थी दम होके, वो बन गया और माशाल्लाह ख़त्म हो गया। उन्होंने दोबारा यखनी चढ़ाई है और दोबारा पुलाव बन रहा है। उसकी खुशबू सौंफ और गर्म मसालों की इधर से उधर फैल रही है, जो बहुत अच्छा मंज़र पेश करती है। और इतने प्यारे प्यारे हमारे दोस्त भाई सर पे हाथ रखने वाले, उन्होंने कहा कि आप बाजी ऊपर जाओ, सुकून से झूला वूला झूलो और आराम से आराम करो, कोई इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं। यकीन जानिए, मैं इनमें से किसी भी घर में जाके आराम से बिस्तर गाड़ी में रखा हुआ है, कहीं पे भी मैं सो सकती हूँ। ये हमारे इतने प्यारे लोग होते हैं और इन पे भरोसा किया जा सकता है माशाल्लाह। तो मुझे बिल्कुल घर का सा महसूस हो रहा है, सौंफ की और गरम मसाले की खुशबू फैल रही है यखनी की, बड़ा प्यारा माहौल लग रहा है माशाल्लाह। सवारियाँ आ रही जा रही हैं, जिसका ये ढाबा है उसका घर वो है ये, और इसके घर से उतरने के वहाँ से भी रास्ते हैं, यहाँ से भी रास्ते हैं, हर तरफ से रास्ते हैं जहाँ से ये उतर के नीचे जा सकते हैं। तो ये है हमारी मरी की खूबसूरत फिज़ा। अभी मरी ऊपर और है, ये मरी का रास्ता है जिधर बीच में से हमको प्यारे प्यारे से ढाबे और लोग मिलते हैं, जहाँ आप सुकून से साफ़ सुथरा खाना खा सकते हैं बिला झिझक। चश्मों का पानी आ रहा होता है, ये चश्मे उबल रहे हैं, उनका पानी आ रहा होता है फुल तेज़ी के साथ, यही घरों में भी जा रहा होता है। और अभी सर मुँह धोया है, वो देखें ये चश्मा उबल रहा है यहाँ से, काश के और सफाई हो जाए तो ये बहुत ही उम्दा हो जाए, लेकिन ये है चश्मा इधर से आ रहा होता है। मगर उन्होंने मेन चश्मे पे अपने टैंक लगाए हुए हैं पानी पीने वाले, तो ऊपर से जो पहाड़ी में से पानी आता है उन टैंक्स में जमा होता है, फिर ये पीते हैं और वो उससे बहुत ताकत होती है, तरह तरह की जड़ी बूटियों से उतरता हुआ और लगता हुआ पानी आ रहा होता है पत्थरों से ताकत वाले। मैंने अभी पिया जिससे वाकई उसका जायका दूसरा था, खुशबू थी ये दरख्तों की जड़ों की, और मुझे एक अजीब सी ताजगी मिली, थोड़ी सी कुव्वत जो होती है ना वो महसूस हुई। ये हमारी खूबसूरत मरी की हसीन फिज़ा, सफ़र जारी रहेगा जब तक ज़िंदगी और ताकत है, अल्लाह ताला सहूलत देता रहे तो हम ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे, ज़िंदगी जीते रहेंगे, कि बढ़ने का काम नाम ही ज़िंदगी और सच्ची खुशी होती है। रुकिएगा नहीं, बढ़ते जाइए, सैर कीजिए। इस दुनिया में हम आए, अल्लाह मियाँ ने भेजा है उसके नज़ारे भरने के लिए, और उसी में रोज़ी कमाने के भी मौके मिलते हैं। किसी की रोज़ी की हम ज़रूरत पूरी कर देते हैं और कहीं से हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। मैं हूँ माया सादिया सिद्दीकी हामिदी, मरी की वादियों से।